सोलन पुलिस जहां एक ओर कोरोना संकट में शहरवासियों को संक्रमण से बचाने के लिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखे हुए है, वहीं दूसरी ओर नशा कारोबारियों पर भी उनकी पैनी नजर है। पुलिस ने हर क्षेत्र में गुप्तचरों को सक्रिय कर रखा है। जैसे ही कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करने का प्रयास करता है, उसकी सूचना पुलिस के पास पहुंच जाती है और नशे का व्यापार करने वाले लोग सलाखों के पीछे पहुंचाए जा रहे हैं। पुलिस रोज इन व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इस बार तार फैक्ट्री के समीप दुकान में शराब की खेप पकड़ी गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि तार फैक्ट्री के समीप एक दुकान में शराब बेचने का धंधा चल रहा है। पुलिस ने तुरंत जाल बिछाकर व्यक्ति की दुकान का औचक निरीक्षण किया तो दुकान के फ्रिज में 12 बोतल शराब की बरामद की गई, जिस पर दुकानदार के पास कोई परमिट नहीं था, जिसके चलते उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। हमारा सबरूम की एक टीम जब पेट्रोलिंग पे थी, तार फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति की दुकान को जब शक के आधार पे चेक किया गया, तो उसके दुकान में रखे फ्रिज में से 12 बोतलें अल्कोहल की रिकवर हुई, जिसके बारे में वो कोई भी परमिट वगैरह नहीं पेश कर पाया। ग्रीन लेवल का है जो मार्का इस पे लगा हुआ था, तो इसमें फिर पुलिस ने एक्साइज एक्ट में केस दर्ज किया है। जो ये अल्कोहल है, इसको उसमें ले लिया गया है, अपने तहवील में ले लिया गया है पुलिस द्वारा। और जो व्यक्ति है शिव सिंह, जो वहाँ पे एक चिकन शॉप की दुकान पे सेल्समैन का काम करता है, उसको इस केस में गिरफ्तार कर लिया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है।